Assalamualaikum, good morning. I am Mithat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. And they have a motto, redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जिसका नाम है लाहौर फोर्ट, यानी शाही किला. अब शाही किला एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यही इसकी एसेंसी की थीम भी है. हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, तारीखी इमारात के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो अगली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो उन तारीखी इमारात के बारे में क्या जानते हैं. सो सबसे पहले जो तरीका है इस चैप्टर को शुरू करने का, वो ये है कि बच्चों से पूछा जाए कि वेदर दे हैव हर्ड अबाउट लाहौर फोर्ट और नॉट. क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो लाहौर में नहीं रहते होंगे, बट लाहौर में रहना या ना रहना पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि तारीखी इमारात के बारे में बच्चों का कितना नॉलेज है. सो सबसे पहला तो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू दे नो अबाउट लाहौर फोर्ट. फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि लाहौर फोर्ट किस तरह की इमारत है, टाइप ऑफ द बिल्डिंग. फिर हम आएंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे. हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. सो चैप्टर के शुरू में ये हिस्टोरिकल प्लेसेस की छोटी छोटी डिटेल्स, बस बराए नाम के जी किस जगह पे है, कौन सी प्लेस है, वो डिस्कस करनी है. और फिर उसके साथ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. एज द चैप्टर टेल्स यू कि इस चैप्टर में सारी डिटेल बताई गई है कि लाहौर फोर्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर कितने दरबार हैं, कितने दरवाजे हैं, उसके आसपास क्या जगह है, क्या एरिया है. सो एक तरह से इस चैप्टर में तस्वीर कशी की गई है ऑफ लाहौर फोर्ट फॉर दोज किड्स, उन बच्चों के लिए जिन्होंने शायद लाहौर फोर्ट कभी विजिट भी नहीं किया होगा. तो इस चैप्टर का मकसद ना सिर्फ उनकी लिसनिंग पावर चेक करना है या उसको असेस करना है, बल्कि उसका मकसद ये भी है कि क्या बच्चे विजुअल थिंकर हैं या नहीं है, कि क्या वो सुन के या पढ़ के उस चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में तख्लीक कर सकते हैं या नहीं. तो ये करते हुए जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे वैसे आप बच्चों से पूछते जाएंगे कि उनके दिमाग में किस तरह का खाका बन रहा है, और फिर किसी एक बच्चे को बुला के आप साथ साथ वो खाका पूरा करवाते जाएंगे. सो एक तरफ आप रीडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको विजुअल थिंकिंग सिखा रहे हैं, और तीसरी तरफ आप उनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन वो इंक्रीज कर रहे हैं. इन सब चीज़ों के बाद जब आप पूरा लाहौर फोर्ट फिनिश कर देंगे रीडिंग, तो यू कैन गो बोथ वेज. अब उसमें आप एंड पे पहुंच के किसी और बच्चे को बुला के पूरा इंटायरली खाका उसका भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे ने खाका एक तरह से बनाया तो दूसरा भी उसी तरह बनाए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दो या तीन बच्चों को बुलवा के वो खाका बनवाएं, फिर उसके बाद बच्चों को दोबारा खुद एक समरी बताएं पूरे लाहौर फोर्ट की. थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस जो आपको भी पता है कि लाहौर फोर्ट किस ज़माने की बिल्डिंग है या किस तरीके से बनाया गया या कौन से बादशाह ने, शहनशाह ने बनाया, तो वो बताना भी इम्पॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम इस चैप्टर के जो लैंग्वेज एस्पेक्ट्स हैं उनमें ए और एन का यूज़ है, क्वेश्चन आंसर है, राइटिंग अ पैराग्राफ है, एंड साथ साथ बच्चों की जो लैंग्वेज के प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंसेज होते हैं उनमें से एक टेंस को भी इन्होंने हिट किया हुआ है. सो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज शुरू कराएंगे वैसे वैसे आप उसके साथ चलेंगे. एक्सरसाइज के अंदर एक डायलॉग भी है, उस डायलॉग को डिस्कस करते हुए और रीड करते हुए पहले आप रीडिंग करवाएं. रीडिंग करवाने के बाद अपनी क्लास के कोई दो तीन बच्चों को उठाएं और उनको कहें कि उसका रोल प्ले करें. इससे दो एम्स पूरे होंगे, पहला बच्चा सेंटेंस प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकेगा, और दूसरा जब दूसरे बच्चे उनको वो करता सुनेंगे तो दे विल ऑल्सो रिमेंबर इट मोर. प्लस एट द सेम टाइम साथ साथ जो बच्चे उसको परफॉर्म कर रहे होंगे उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज भी आएगा. और मैं ये भी चाहूँगी कि साथ में आप बच्चों को ये भी कहें कि अपनी तरफ से भी एक दो सेंटेंसेस बोलें उस मुकालमे के बारे में. सो इस तरह से आप लैंग्वेज को लेकर जब चलेंगे तो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी दें, उनको खुद भी बोलने का मौका दें, ताकि वो सिर्फ उन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस तक ना रह जाएं जो बुक में गिवन है. सो विद लिसनिंग एंड विद रीडिंग बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस एज वेल. तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आप इसी तरीके से अच्छी तरह से कराएंगे. और आपकी मदद के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.